ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा मकसूद नगर की रहने वाली 15 से 16 वर्ष की नाबालिग लड़की अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकली थी, मगर कौसा कब्रस्तान से ऑटो रिक्शा पकड़ी और पलावा मॉल की तरफ जाने लगी। इसी दौरान तीन लड़के उस ऑटो रिक्शा में आकर बैठ जाते हैं और उस लड़की के साथ हाथापाई करने लगते हैं। लड़की ने जब इसका विरोध किया तो लड़कों ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसके जेब से 500 रुपये निकाल कर रिक्शे से उतर गए। तीनों लड़के भी नाबालिग बताए जा रहे हैं, इनकी उम्र 14 से 15 वर्ष है। इस घटना की जानकारी लड़की ने अपने दोस्तों को दी। लड़की इन तीनों लड़कों में से एक लड़के को पहचानती थी, जिसके बाद तलाशी के दौरान दो लड़कों को पकड़कर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। इस पूरे मामले में लड़की ने क्या बताया है। मैं ना कौसा कब्रस्तान पे ऑटो में जाके बैठी, मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ पलावा मॉल। तो वहाँ मैं जैसे रिक्शे में जाके बैठी तो तीन लड़के लोग आए। वो लोग आके पहले मेरे से पूछे कि पैसा कितना है तेरे पास। तो मैंने ऑटो वाले अंकल को बोली, अंकल आप चलाओ ना। बट वो लोग है ना आगे भी जाके बैठ गए तो अंकल चला नहीं पाए। तो वो लोग ने मेरे जेब में हाथ डाले, मैं दोनों का हाथ पकड़ी, बट वो लोग मेरे दोनों भी मेरा हाथ पकड़ लिए और फिर मेरे जेब से 500 रुपये निकाल के चले गए। फिर मुझे एक का चेहरा और नाम याद था तो मैंने मेरे फ्रेंड्स लोग को बताई। फिर हम लोग सब ने उन लोग को ढूंढे, पहले उसके घर पर गए, फिर वो जहाँ घूमता एरिया में गए, फिर उसके बाद मेले में गए, बट वो लोग वहाँ कहीं नहीं मिले। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा देर ढूंढे, फिर जाके वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मिले। फिर हम लोग ने उन लोग को पकड़ के पहले कौसा पुलिस चौकी लेके गए, फिर वहाँ से मुंब्रा पुलिस स्टेशन चौकी लेके गए। वो लोग तीन लोग थे लेकिन हम लोग ने पकड़े सिर्फ दो को, क्योंकि एक शायद काम वाम पे गया था तो वो मिल नहीं पाया। उसने भी बचाने के लिए रोका बट वो रोक नहीं पाए क्योंकि उसका भी हाथ पकड़ लिया था वो लोग ने। और ऑटो वाले ने कुछ नहीं बोला, वहाँ पुलिस स्टेशन लेके गए, फिर वो लोग के जेब से पैसा निकाले, लेकिन वो लोग 250 रुपये उड़ा चुके थे, 250 रुपये दिए। फिर उन लोग को पुलिस कौसा वाले लोग ने बोले कि आप लोग इन लोग को मुंब्रा स्टेशन वाले पे लेके जाओ। फिर हम लोग ने वहाँ लेके गए, मेरी NC ली थी वहाँ पे। जिस रिक्शे में ये सब हुआ उस रिक्शे वाले ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। रिक्शे वालों को भी ज़रूरत है कि अगर रिक्शे में किसी पैसेंजर के साथ अप्रिय घटना होती है तो इसकी जानकारी फौरन पुलिस को दें। तीन में से दो लड़के पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इनके पास तलाशी के दौरान 500 रुपये में से 250 रुपये बरामद किए गए, जो लड़की को 250 रुपये वापस दिए गए। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों लड़कों के खिलाफ NC ले ली है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।